पिता ने अपने ही चार मासूमों को दिया जहर। कुछ बताया बच्चों ने? लड़की ने बताया हाँ आके तुम यो खा लो गोली या तो थारे दांत ठीक हो जाएंगे और भाई के दांत तावड़े आ जाएंगे और तुम भी बड़ी हो जाओगी। तीन मासूमों की हुई मौत, एक की हालत गंभीर। किसी में पानी में घोल गया और बच्चे को तो थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी गोल वैसे तोड़ के खिलाई थी। घटना के वक्त माँ कर रही थी खेतों में मजदूरी। ये मैं तो काम पे जा रही थी और ये सुबह 7 बजे लकट गए थे और मैं काम पे 7:30 बजे गई थी, उनके बाद ये इन्हें खुवा कर गए। कर्ज से परेशान पिता बना अपने ही बच्चों का कातिल। थोड़े बहुत पैसे सर थे, एक आदमी दबाव डाल रहा था, उनको 3,000 रुपए हम दे रहे थे हर महीने की 7 तारीख को। ये बच्चे अपने पिता से पूछ रहे हैं कि हमारा क्या कसूर था जो हमें इस कदर मौत के घाट उतार दिया। ये दिल दहला देने वाली घटना है रोहतक के कबूलपुर गांव की, जहां कर्ज में डूबे एक पिता ने अपने ही 4 मासूम बच्चों को जहर दे दिया, जिसमें से 3 बच्चों की मौत हो चुकी है तो वहीं एक जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। आरोपी सुनील ने कैसे अपने बच्चों को जहर दिया वो भी सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। एक बेटी ने अपनी माँ को बताया कि पापा ने कहा था ये गोलियां खा लो ताकि तुम जल्दी जल्दी बड़ी हो सको और भाई को भी खिला दो ताकि उसके दांत जल्दी आ सके। लेकिन मासूमों को क्या पता था कि पापा की बात मानकर जिस गोली को वो खा रहे हैं वो गोलियां उन्हें ये दुनिया देखने भी नहीं देंगी। बच्चों की मां ने बताया कि मंगलवार दोपहर को वो मजदूरी करने के लिए खेत में गई थी, घर आई तो वो तस्वीरें देखकर हैरान रह गई, क्योंकि जिन बच्चों को 9 महीने तक जिस मां ने अपनी कोख में रखा उन्हें बड़ा होते हुए देखा, अब वो मासूम उस मां के पास से बहुत दूर जा चुके थे। 4 बच्चों में बड़ी बेटी लिसी का है जिसकी 10 साल उम्र बताई जा रही है, उससे छोटी बेटी हीना है जो 8 साल की है और उससे छोटी दीक्षा है जो 7 साल की है और बेटा देव जो कि 1 साल का है। 4 बच्चों में से सिर्फ एक बेटी हीना ही अभी जिंदा है जो अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। लड़की ने बताया हाँ आके तुम यो खा लो गोली या तो थारे दांत ठीक हो जाएंगे और भाई के दांत तावड़े आ जाएंगे और तुम भी बड़ी हो जाओगी, ये बता रही थी वो लड़की। किस चीज में खिलाया है? किसी में पानी में घोल गया और बच्चे को तो थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी गोल वैसे तोड़ के खिलाई थी। तो अब आपके पति कहाँ हैं? उन्होंने भी लिया कुछ? नहीं, उनके तो मैंने पता ही नहीं कहाँ पे हैं, वे कहाँ पे नहीं। तो संपर्क करने की कोशिश की आपने कुछ? नहीं, मैंने तो कोई फोन बंद कर रहा हूँ। कोई लड़ाई झगड़ा था आपका? नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। क्या कारण हो सकता है कि वो अपने बच्चों को उन्होंने जहर दे दिया? कोई लड़ाई झगड़ा कारण था या कुछ आप परेशानी थी किस तरह से मानसिक रूप से परेशान हो? थोड़े बहुत पैसे सर थे ये था, मतलब कोई दबाव दे रहा था पैसे के? हाँ, एक आदमी दबाव डाल रहा था, उनको 3,000 रुपये हम दे रहे थे हर महीने की 7 तारीख को, उसके बाद बोला कि तू 2,000 रुपये और एक्स्ट्रा देने लग जा इनके कारण। और सुबह मेरे तो ये कह रहा था कि मैं जाऊँ थाने में और मैं बोली मखा 10-11 बजे बुलाए थाने वाले ने, मेरे फोन पर भी कल फोन आ रहा था, मैंने बोलिया कि मखा जी किस टाइम आना है, बोला तन्ना तो आना नहीं अरे भाई साहब आ जाएंगे और जब बात कर लेंगे। तो कितने पैसे ले रखे थे आप? उनके 1-2 लाख थे और कि मैं दे भी रखे, जैसे सामान उठा कर ले जा रहे थे वे उनके दे भी दिए। क्या सामान उठा के ले जा रहे थे? जनरेटर, LED ये और इन्वर्टर तो हम ले आए थे। तो मतलब गांव के हैं जो पैसे देने वाले या बाहर के? नहीं, गांव के। किस कारण से मतलब वो दबाव डाल रहे थे आपको? घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और FSL की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस ने गांव के लोगों से घटना के बारे में पूछताछ की और आरोपी की पत्नी के बयान दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई। भाई आज एक हमें PI मिली थी कि भी 4 बच्चों ने जहर खिला दिया गया उसके पिता द्वारा, पिता सुनील कुमार सनोपम प्रकाश आरोटली कबूलपुर गांव का रहने वाला है, इन्होंने अपने 4 बच्चों को जहर दे दिया है जिसमें से 2 बच्चों की डेथ हो चुकी है, 2 बच्चों का भी ट्रीटमेंट चालू है। कब सूचना प्राप्त हुई थी इसके बारे में? क्या कुछ? ये करीब 2 बजे करीब सूचना में थाने में मिली थी। तो क्या लग रहा है प्रारंभिक जांच में क्या कारण सामने आया कुछ प्राथमिक? अभी देखो इसकी इन्वेस्टिगेशन चली हुई है, बाकी आपको इन्वेस्टिगेशन के बाद बता देंगे। SO साहब मौके पे गए हुए हैं, हम और मजिस्ट्रेट साहब गए जोशी के बयान करा दिए। घटना के बाद से ही आरोपी सुनील मौके से फरार है, फोन स्विच ऑफ आ रहा है,
लेकिन पुलिस दावे कर रही है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। एक मां ने अपने पति की वजह से 3 बच्चों को खो दिया, जिसका रो रो कर बुरा हाल है और गांव में मातम पसरा है। आपका इस वीडियो पर क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं। रोहतक से दीपक भारद्वाज, पंजाब के सिटी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।